Hello everyone, I am Parul and welcome to the first episode of Keeping Up With The Trustees, where you will get inside scope of the campus, jisko dekhke ek hi thought aata hai ki isko zila kyun nahi ghoshit kar dete. And today we have with us the coolest president a university can ever have, Dr. Devanshu Patel. Now we all know he's fantastic at running the university, but rumor has it he's even better at answering the questions. So stay tuned, kya pata koi raaz khul jaye. Before we spill the beans, everyone knows that you're the coolest president ever. So do you have a secret talent that will surprise everyone on the campus? Okay. So first of all, thank you for calling me the coolest. Nice. Actually, itna cool bhi nahi hoon main. To agar secret talent ki baat karein, to shayad tumne picture dekha hoga, Mr. India. Yes. Theek hai? To ye movie mein kya hai ki Anil Kapoor hai na, invisible ho jata hai. तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं इनविजिबल नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे ये पता चल जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. तो मैं अभी बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो. बता दो क्या? बता. श्योर 110. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू नो, ऐसे कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं है मेरा. और बाकी सब जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, वैसे मैं भी नॉर्मल हूँ. और कुछ सीक्रेट टैलेंट होता तो अभी तक तुम्हें और सब स्टूडेंट्स को पता चल गया हो. वो तो देखा है सर हमने, आप गाते भी हो, आप रैंप वॉक भी करते हो. नहीं, मैं गाता हूँ, लेकिन अभी एक मैंने गाते हुए वीडियो भी रखा था. Yes, और इतने बुरे कमेंट आए थे तो तब से मैंने अभी थोड़ा गाना कम कर दिया है. So as we all know, there are many beautiful spots in the campus और टीपोस सबका फेवरेट है. तो क्या आप भी टीपोस पर कभी ऐसा टी ब्रेक के लिए जाते हैं? जो टी पोस्ट है ना, वो एक्चुअली मेरा स्कूल का फ्रेंड है. ओके. वो चलाता है टी पोस्ट. और मुझे लगता है कि एज ए प्रेसिडेंट अगर मैं टी पोस्ट पे जाने लगा ना, तो मेरे दोस्त का धंधा कम हो जाएगा. ये हमको फेवरेट दोस्त है. क्योंकि हमारा टी पोस्ट है ना, वो बहुत ही कोजी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही प्रचलित है. तो अगर मैं आने लगा वहाँ पे, तो बच्चे जो कोजी एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं वो नहीं कर पाएंगे. और दूसरा, मुझे लगता है अगर मैं टी पोस्ट पे आ गया तो अटेंडेंस कम वाले बच्चे, डिटेंशन कम वाले बच्चे सब लाइन लगा देंगे वहाँ पे. और सबको पता चला कि अभी सर टी पोस्ट आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से टीचर्स भी जो आ रहे हैं ना चाय पीने, वो बंद हो जाएंगे. और मेरे ख्याल से टीचर्स की कंप्लेन करने वाले बढ़ जाएंगे वहाँ पे. तो मैं नहीं जाता हूँ चाय पीने के लिए वहाँ पे, लेकिन कभी कभी देखता रहता हूँ क्या चलता है वहाँ पे. By the way, are you a chai person or a coffee person? I am purely a chai person. चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ. क्या बोल रहा है? मजाक मजाक कर रहा हूँ बाबूजी. सर अभी कैंपस इतना बड़ा है, तो आपको नहीं लगता ऐसे इंटर कॉलेज मेट्रो हो जानी चाहिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है. आपको तो ऐसा भी लगता होगा कि बुलेट ट्रेन ही क्यों ना बना ले. टेरेसा भवन डीजे निकल गए और पहुंच गए सीधा अपने पीआईटी कैंपस में. या तो चार्टर भी कर सकते हैं. नहीं, चार्टर कर सकते हैं, मतलब अटल भवन से निकल गए और सीधा पहुंच गए पीआईटी के कॉम्प्लेक्स में. जोक्स अपार्ट, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कैंपस में बच्चों का सहूलियत कैसे बढ़ाया जा सके. अभी तो हमने साइकिल्स का फैसिलिटी किया है, लेकिन आने वाले समय में कैसे शटल सर्विस स्टार्ट हुई है कि ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हो, बच्चे बोर्ड डिबोर्ड कर पाए. तो जितना उनका मूवमेंट कैंपस में कम हो पाए उसका कोशिश हम कर रहे हैं. लेकिन अल्टीमेटली क्या है, चल के भी कैंपस में घूमना उसका भी एक अलग मज़ा रहता है. ये सब फैसिलिटी ज़रूरी है, लेकिन अपना कैंपस का चार्म ही वही है कि इतना बड़ा है, आप घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, स्टॉल कर सकते हो. लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कैसे हम फैसिलिटी बढ़ा पाए. दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव. By the way, you know, sir, what will make our students happy? A pool party in summer. Okay. So, आपका क्या कहना है उस पे? तो पता है कैंपस में कितने बच्चे रहते हैं? 45,000 रहते तो नहीं है, रहते 20,000 बच्चे हैं. Okay. अभी 20,000 बच्चे इकट्ठा पूल पार्टी में चले गए तो बहुत ही बसड़ मच जाएगी. लगता है अपने कैंपस में पूल पार्टी के लिए तो या तो तालाब होना चाहिए या तो दरिया किनारा ही होना चाहिए. लेकिन जोक्स अपार्ट, कुछ प्लानिंग तो चल रहा है.
प्लानिंग ऐसा है कि सिर्फ पूल पार्टी क्यों हुआ हो, एक रेन डांस का भी फैसिलिटी क्यों ना किया है। वाओ, अभी चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में शायद जुलाई से बच्चे अभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन शायद पूल पार्टी के साथ कैंपस में ही कर पाए। दैट इज सो एक्साइटिंग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। With so many great developments that are going to happen in the campus, like Zen Garden, Glow Garden, a new library, what is your vision and goal for the university? Let us say in terms of vision or mission, बात करें तो as a president, मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि हमारी university का vision और mission यही है कि जो भी student या जो भी stakeholder हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट होता है वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ एसोसिएट हो, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट हो। और कोई भी स्टेक होल्डर सेटिस्फाई और हैप्पी तभी होगा जब जो आउटकम के साथ वो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा है वो आउटकम अगर उसको वो एसोसिएशन में से मिलता है। तो हम सबका, मतलब मेरा या तो यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा गोल, हमारा विजन, हमारा मिशन यही होना चाहिए कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो खुश रहें और सेटिस्फाइड रहें। और देखो, दूसरे एम्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी के होते हैं, जैसे आज 60,000 स्टूडेंट्स हैं तो कल जाके 100,000 स्टूडेंट होंगे, आज नैक में A++ है शायद कल NIRF में टॉप 10 में हम आ जाएँ। तो ये सब चीज़ें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी है, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ विजन और मिशन आप बोलो तो कोर वैल्यू हमारे यूनिवर्सिटी का हमेशा यही रहेगा कि कैसे हमारे साथ जुड़े हुए लोग खुश। सो व्हाइल यू वर स्टडीइंग, व्हाट वुड बी दैट वन थिंग यू विश्ड यू हैड ऑन द कैंपस? तो मेरी पढ़ाई तो MS यूनिवर्सिटी में हुई। मैंने MBBS और MD मेरा MS से किया है। तो जब मैंने पढ़ाई की तब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीपोस जैसी जगह नहीं थी, लापिनोस पिज़्ज़ा नहीं मिलते थे या तो चटोरे के शॉप्स नहीं होते थे, वॉचेस पार्क नहीं होते थे, हमारे IRC जैसे सेल नहीं होते थे कि भाई आपको आपके दोस्तों के साथ अगर सेमेस्टर एक्सचेंज में जाना है तो आप जा सकते हैं, CV रमन जैसे सेंटर नहीं थे जहाँ बैठ के आप एप्पल के सब डिवाइस ब्राउज कर सकते हैं। तो ऐसी एक चीज़ नहीं, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रहा था तो वो कुछ नहीं था। तो मैं तो ये कहूँगा ये अभी का जो जनरेशन है उसको पास बहुत ही एडवांटेजेस, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। मैं जस्ट पारुल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी एजुकेशन में पैराडाइज़म शिफ्ट, तो आपको ये सभी फैसिलिटी, ये सभी कैंपस लाइफ मिल रही है जो हमारे टाइम में नहीं थी। तो मैं ऐसा विश करूँगा कि हमारे टाइम पर भी ऐसी ही कैंपस लाइफ होती। तो सर, इतने बड़े कैंपस में चलने के लिए फिट रहना तो जरूरी है, एंड यू आर वेरी मच इनटू फिटनेस। यस। सो दैट व्हाट इज दैट वन मंत्रा यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स फॉर फिटनेस? मेरा ऐसा मानना है कि पारुल यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा एडमिशन लेता है ना वो ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। okay. जब आप अटल भवन या तो आजाद भवन से चल के PIT कैंपस में जाते हो या तो टेरेसा भवन से चल के आप फार्मेसी कॉलेज पे जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हो। तो मेरा बच्चों से यही कहना है कि बस कैंपस में चलो, ये मेट्रो स्टेशन शटल सब भूल जाओ, साइकिल वाइकल सब भूल जाओ और चलो। और जितना चलोगे उतना ही ज्यादा फिट रहोगे। कोई हमसे जीत ना पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। और अपने कैंपस का वाइब भी कुछ और है। मैं खुद भी शाम को पूरे कैंपस में वॉक करता हूँ और वॉक करने के बाद जो वाइब आती है, जो रिलैक्सेशन फील आती है, वो टोटली डिफरेंट है। और लेट अस से आप वॉकिंग में नहीं हो तो हमारे कैंपस में जिम भी है और आने वाले टाइम में हम कैंपस में बहुत बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं। ओके। तो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत ही बड़ा जिम भी बना रहे हैं, इंडोर गेम्स भी आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको यूटिलाइज करें और कैंपस को एंजॉय करें। दैट्स वंडरफुल। एंड ऑफ कोर्स सर, इट्स नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट्स हियर, वी हैव मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर नेशनलिटीज और फैकल्टीज भी।
तो आपके कॉन्वर्जेशन भी उनके साथ हुए होंगे, तो कोई मेमोरेबल कॉन्वर्जेशन या ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? So currently, you know, we have nearly 4,000 students coming from 82 nationalities. And every culture, every nationality, every student is special and unique. You know, there are several experiences which are with me as far as international students are concerned. You know, we have many students who have not just studied, who are now converted into employees in the university. I'm sure you know Wilfred, you know, your colleague who is a content writer, who has almost spent now 8 years at our university, who is now a PhD student. We have Ben. Ben is there in our Department of Paramedical and Health Sciences, who is now a teacher, you know. So he graduated from here and now he's a teacher. We have Anu, who works for us in Bhutan. We have Ravindra, who just graduated and became optometrist and now is a senior optometrist in our hospital, you know. We have a Nigerian student who graduated his law degree from our university and is also a tutor, instructor in law college. So, aise bahut sare experiences hain, bahut sare, you know, interactions hain jo special hain. Or the most important part is, you know, as a university, we are able to bring the change in their careers, in their lives, and not just giving them degrees, but also giving them livelihood, also giving them identity and career. So I think there are several examples. We can just keep on counting or ye interview chhota pad jaye. That is so wonderful. So you can't talk about Parul University and the legacy that you have crafted. So there are many alumni of ours who are working in multinational companies. So you have brought the nationalities to Parul and you have sent the students to across the globe also. Yes. So how do you feel? I feel to acha hi aata hai. Matlab jab हमारी यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं, लेकिन एक दूसरा भी एस्पेक्ट है हमारी यूनिवर्सिटी का. हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे कपल्स निकलते हैं, मतलब लव स्टोरीज बन जाती है और शादी हो जाती है और शादी के बाद भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं. तो हमारा एक एलुमनाई है जिसका नाम है धैर्य खिकानी, तो अभी वो मेटा में काम करता है. उसने हमारी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया. उसकी वाइफ है बिंदिया. उसने हमारे यहाँ से फिजियोथेरेपी किया. वो भी एक बड़ी हॉस्पिटल में वहाँ पे काम कर रही है. सिमिलरली हमारे एक और एलुमनाई है जिसका नाम है हर्षद. उसने हमारे यहाँ से मैकेनिकल किया. उसकी वाइफ है नुपुर. उसने हमारे यहाँ से किया इलेक्ट्रिकल. इन सभी लोगों की लव स्टोरी यहाँ पे बनी. शादी हुई और फिर अमेरिका गए, कनाडा गए और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. और जब हम देखते हैं नॉट जस्ट मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन हर कोई बच्चा जब अपना लाइवलीहुड यहाँ से अर्न करता है, अपना करियर बनाता है, तो इट्स अ स्पेशल फीलिंग. इट्स अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो सर, जाते जाते एक इनसाइडर इन्फो दे दीजिए जिससे सबके होश उड़ जाए. तो मैं इतना कहूँगा कि पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चों को गोवा जाने के लिए बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे. एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है जो शायद बीच पे होगा. वाओ. और जब तुम क्लास अटेंड कर रहे होगे तो टीचर और दरिया शायद साथ में आपको देखने देंगे. सो अमेजिंग. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस सेशन सर. इट वाज फन हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू. थैंk you for. What a cool conversation it was with the coolest president. I hope you had fun watching this as much as I had fun interacting with him. So see you in the next episode of Keeping Up with the Trustees with more information and facts. Stay tuned till then.